खबर सतदरवा पलामू से है, जहां पर सतदरवा प्रखंड ग्राम लोहड़ी में बुधवार को मां की विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता का आगमन सुबह 9 बजे के करीब हुआ, जहां पर लोहड़ी के ग्रामीणों ने मां की विधानसभा डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता को फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रामस्वरूप पाठक द्वारा कई योजनाओं का लिखित आवेदन दिया गया। यहाँ पर विधायक ने सभी योजनाओं को संज्ञान में लेते हुए पूरा करने की बात कही, तो वहीं विधायक ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनते हुए हाल ही में गोरखपुर में काम करने वाले मजदूर मृत दिलीप भुइया के परिवार को नगद 4,000 रुपए संस्कार के लिए देने का कार्य किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासी व प्रखंडवासी भी मौजूद रहे। ये प्रतिदिन का रूटीन है कि हम सुबह 7:15 बजे घर से निकल जाते हैं और 11 बजे तक 2-3 गांव का कि समस्याओं को सुनते हुए मिलते जुलते हुए लौटते हैं और इसके बाद में दिनचर्या शुरू होती है जो और है अनेक काम के लिए ये और दूसरे क्षेत्र में जाने का। तो उसी क्रम में आज है लोहड़ी में माननीय है गौरी शंकर पाठक जी हमें आमंत्रित किए थे यहाँ की जन समस्याओं को सुनने के लिए और निदान करने के लिए। जो समस्याएं सुनने को मिला इस गांव में कि किस प्रकार से ऐसा कहिए कि ऐसे उद्वह सिंचाई योजना का बंदर माट किया गया है, सो जहाँ पर कई मशीन लगे वो सब ऐसी अधूरा है, कार्य जैसे पूरा हो चुका और ये जो इस उद्देश्य को लेकर के ये जो योजना आया वो कही कि उसका कागज पर रह गया। तो ये कई तरह के और इसके अलावा है कि ये आपका किसी गांव में एक छोटा सा पुल बनाने के लिए और ऐसा अन्य कामों को लेकर के है सो ये मेमोरेंडम मिला है, हम उसको गंभीरता से लिए हैं और इसको हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और जो जनता के आशा और उम्मीद है उस आशा उम्मीद पर हम लोग को पूरा करें, खरा उतरें, उसी को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम समझते हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह है। सुबह में 7 बजे सो कही कि 1,000 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये इनके जागरूकता का सो प्रचारक है कि आप काफ़ी यहाँ की जनता जागरूक है और हम ये गांव है सो दशा दिशा देने वाला गांव है समाज को, हम इनसे मिल करके बड़ी खुश हैं, गदगद हैं और आने वाले समय में यह गांव और अच्छा करे और यह पंचायत अच्छा करे और लूट खसोट जो होता रहा है पहले से उस पर ऐसा अंकुश लगे और लूट खसोट बंद हो और इनकी सत्ता में भागीदारी विकास में हिस्सेदारी इनको मिल सके, इसके लिए हम ऐसा प्रयासरत हैं और इनको इनका हक ऐसा दिलाने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो सिंचाई परियोजना जो है इनका उद्वह सिंचाई ऐसा परियोजना यही कि अधूरा रह गया है, बंदर बांट कर लिया गया है, इसका जांच पड़ताल करा करके इसको पूरा करने का काम हम करेंगे। सतदरवा से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।